आज के समय में अगर इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें एक खास नाम सबसे ऊपर आ जाता है और वह नाम है अपनी आवाज से लाखों लोगों को दीवाना बना देने वाले अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह आज जिस मुकाम पर है शायद ही कोई सिंगर इतनी जल्दी सफलता की ऊंचाई पर गया हो। आज हर दूसरी तीसरी हिंदी फिल्म में अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनने को मिल ही जाते हैं। अपनी दिलकश आवाज के लिए मशहूर अरिजीत सिंह आशिकी 2 में गाए गए अपने गाने तुम ही हो के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए और यहीं से अरिजीत सिंह की सफलता का दौर शुरू हो गया। अरिजीत सिंह के गानों की खास बात यह है कि इनके गानों को चाहे आप कितना भी सुन लो फिर भी इनके गानों को बार बार सुनने का दिल करेगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। अरिजीत सिंह का जन्म सन 1987 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में हुआ। अरिजीत सिंह के पिता पंजाबी और मां बंगाली थी। अरिजीत सिंह के ननियाल में सभी मेंबर संगीत से जुड़े हुए हैं। उनकी नानी पहले से शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित थी। मौसी भी गाया करती थी, मामा तबला वादक थे, उनकी माँ भी संगीत में रुचि रखती थी। अगर फैमिली के इतने सदस्य संगीत से जुड़े हुए हो तो आगे की पीढ़ी का संगीत को फॉलो करना स्वाभाविक है। अरिजीत सिंह ने शुरुआत में राजा विजय सिंह स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और श्रीपत कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अरिजीत सिंह का कहना है कि वह शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे लेकिन उनकी म्यूजिक में ज्यादा दिलचस्पी थी। संगीत की तरफ इसी रुझान को देखते हुए उनके पेरेंट्स ने उनको संगीत की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और वीरेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने रविन्द्र संगीत और पॉप म्यूजिक सीखा। अरिजीत सिंह ने संगीत की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया। अब उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वह अपनी टैलेंट को प्रदर्शित कर सके। साल 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए वह अपना शहर छोड़कर मुंबई आ गए। इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे ऑडिशन देने पड़ते थे। ऑडिशन इतनी कड़ी हुआ करती थी कि कई बार तो अरिजीत सिंह को ऑडिशन के दौरान भी नींद आ जाती थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अरिजीत सिंह इस रियलिटी शो में टॉप 5 तक पहुंचने से पहले शो से बाहर हो गए लेकिन इस शो के जज शंकर महादेवन उनकी आवाज से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने भविष्य में अरिजीत सिंह के साथ काम करने का आश्वासन दिया और बाद में शंकर महादेवन ने अपने वादे के मुताबिक अरिजीत को हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम के गाने में अल्फा 1 में गाने का अवसर देकर अपना वादा पूरा किया। आगे चलकर अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और इस बार वह रियलिटी शो के विजेता बन गए। इस शो के जीतने के बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेवल के लिए गाना गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया लेकिन अरिजीत को म्यूजिकल इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब तक सभी यही जानते थे कि अरिजीत के मुंबई आने के बाद ही प्लेबैक में गाने लग गए थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था तब कई दिग्गज सिंगर्स के पास अच्छे काम की कमी थी। जल्द ही अरिजीत को एहसास हो गया कि अभी प्लेबैक सिंगिंग में उनका कोई चांस नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी म्यूजिक करियर में कुछ बदलाव किए और वह बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर काम करने लगे। उन्होंने कई फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर जैसे प्रीतम चक्रवर्ती, विशाल शेखर और मिथुन के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम किया। वैसे अब देखा जाए तो म्यूजिक प्रोग्रामर बनना यह फैसला उनके लिए बिल्कुल सही था। यहां उन्हें म्यूजिक की बारीकियों को सीखने का मौका मिला। मतलब सिंपल वर्ड में कहे तो अरिजीत म्यूजिक प्रोग्रामिंग करते करते बेटर म्यूजिशियन बन गए। अरिजीत की लाइफ में टर्निंग पॉइंट 2010 में आया जब म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों का संगीत बनाना था। फिल्मों का संगीत बनाने के दौरान अरिजीत रोज 4 से 5 गानों के लिए रूट कट्स गाने लगे थे। अरिजीत की इस प्रतिभा को देख प्रीतम ने अपनी फिल्मों में अरिजीत से गाने गवाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे यह गाने रिलीज हुए अरिजीत को म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनके लिए म्यूजिक करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर देने लगे। धीरे धीरे अरिजीत की मखमली आवाज को वह शोहरत और वह लाइमलाइट मिलता चला गया जिसके वह हकदार थे। अरिजीत आज जिस मुकाम पर है हम सभी जानते हैं। अरिजीत म्यूजिक इंडस्ट्री में जितने सफल रहे निजी जीवन में उतने विफल रहे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अरिजीत ने 2 शादी की थी। अरिजीत की पहली शादी रियलिटी शो के दौरान उनकी कोक कंटेस्टेंट से प्यार होने के बाद हो गई लेकिन आपसी मतभेदों के चलते जल्दी दोनों अलग हो गए। दूसरी शादी उन्होंने 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से की थी। कोयल पहले से शादीशुदा थी लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम के चलते कोयल ने पहले पति से तलाक लिया और अरिजीत से शादी कर ली। कोयल रॉय की पहली शादी से एक बेटी है जो अरिजीत के बहुत करीब है। अरिजीत खुद की एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम लेट देयर बी लाइट है।
जियागंज के लोकल एरिया में बीपीएल कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अरिजीत एक बेहतर सिंगर होने के साथ एक अच्छे दिल के इंसान भी है। अरिजीत सिंह को अपनी बेमिसाल सिंगिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले। साल 2014 में आई फिल्म आशिकी 2 का क्योंकि तुम ही हो गाना और साल 2016 में फिल्म रोय का गाना सूरज डूबा है के लिए उन्हें फिल्म फेयर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। बाकी अवार्ड्स की फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।